शास्त्रीय संगीत में ताल पक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज हम देखेंगे ताल लिपि, तो यही आज का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताल लिपि, लिपि शब्द का अर्थ होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी लिखने का तरीका। देखिए, ताल बोलना, ताल को हाथ पर लगाना, ये दोनों अलग एस्पेक्ट हैं, और तबला बजाना ऑफ कोर्स वो भी अलग एस्पेक्ट है, लेकिन उसको लिपिबद्ध करना, स्क्रिप्ट करना, कॉपी पर लिखना, ये एक अलग एस्पेक्ट है। तो आज संगीत शास्त्र या शास्त्रीय व्याख्या इस लेक्चर में, इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग। तो भारत में हम देखते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इस तरह से दो अलग लिपियाँ प्रचलित हैं, जिनमें जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें हम बात करेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की स्वर लि मतलब जो लिपि पद्धति है, ताल लिपि पद्धति, और दूसरा पक्ष जो है वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की स्वर की लिपि, ताल लिपि। चलिए, तो इस ताल लिपि में सबसे पहले हम ये जान लें कि इस पद्धति में क्या है। हम जो मात्राएं हैं, मात्रा मतलब कौन सी, जब हम ताल देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये त्रिताल मैंने बताया, तो ये जो नंबरिंग है, इन नंबरिंग को अंकों में ही लिखा जाता है। तो इनमें आप देखिए, इस तरह से अंकों का प्रयोग होगा, ये जिस प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है। खंड या विभाग, जब हम ताली देते हैं या खाली देते हैं, तो इस तरह से अलग अलग खंड बनते हैं, कुछ मात्राओं के खंड बनते हैं। उन खंडों को विभाजित करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं, और ये लाइन यहाँ पर ऐसे दिखाई जाएगी, 1 2 3, फिर उसके बाद एक लाइन आ गई तो खंड खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट खंड आता है 4 5 6, इस प्रकार से। सम या पहली मात्रा, इसे क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस बना दिया मतलब ये हमारी पहली मात्रा है, ये इंडिकेट हो जाता है। अब इसका ताल बताते समय देखिए, पहली मात्रा पर तो सम होनी ही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज तब समझ में आता है जब हम किसी बंदिश में हम क्रॉस लिखते हैं, 1 2 या नंबर एक, ताली और खाली बताते हैं, तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सम को दिखाने के लिए डेफिनेटली पहली मात्रा हमने क्रॉस लगा दिया है। इसी तरह से तालियों की संख्या, अब पहली ताली तो बज गई सम पे, तो उसके बाद 2 3 4 इस प्रकार से आएंगे नंबर, तो ये दूसरा नंबर आ गया, तीसरा नंबर आ गया, इस प्रकार से हम ताल को एक्सप्रेस करते हैं। अब बात आती है खाली। खाली जो है, इसको हम शून्य से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पर ताली नहीं बजेगी, हाथ को इस प्रकार से दिखाया जाता है, तो ये खाली का पक्ष हुआ। ताली या सम हमने ऐसे दिखा दी, और खाली को हमने शून्य से इस प्रकार बताया। एक मात्रा में यदि हमें एक से अधिक बोल लिखने हैं या बोलने हैं, तो बोलने का पक्ष तो ठीक है, समझ में आ जाता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं तो लिखने का तरीका ये रहेगा कि देखिए, होता ये है कि जब हम इसे एक मात्रा है, आपने जो भी ड्यूरेशन दिया है उसे, अगर हम उस एक मात्रा में दो बोल बोलते हैं, धागे, तो धागे ये बोलने के लिए हमें टाइम अब फास्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि समय तो उतना ही है, एक मात्रा को निश्चित टाइम दिया गया है, धा धागे। तो देखिए, अभी दोनों हमने क्या किया, एक एक मात्रा में बोला धा धागे, तो इस प्रकार से आप बोलने का ये, लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ। अब इसी बात को लिखते समय आप देखिए, हम यहाँ पर एक ऐसा चंद्राकार रूप दे देते हैं, ऐसा नीचे से जो ब्रैकेट्स हैं वो थोड़े से सो जाते हैं टाइप का, तो ये एक चंद्राकार हम एक साइन देते हैं कि ये धागे जो है ये एक मात्रा में आने वाला है, या तिरकिट ये एक मात्रा में आएगा, तो ये नोटेशन का तरीका हुआ। चलिए, अब हम कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि अगर हमें परीक्षा में या कॉपी में या लिखित रूप में हमें इसको स्क्रिप्टिंग करनी है, तो हम तालों को किस प्रकार से लिखें। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आपको दादरा ताल पूरे डिटेल में बता रहे हैं। दादरा में
जैसे मात्राएं कितनी हैं, तो ये सारे जो उसके शास्त्रीय पक्ष हैं वो सारे आपको बताने होंगे। लाइन से आपको पूरा लिखना है कि सबसे पहले मात्रा कितनी है, तो 6 मात्रा है, ताल दात्रा है 6 मात्रा, खंड 2 कितने मात्राओं के, तो 3 3 मात्रा के, ताली कितनी ताली है, 1 है, कौन सी मात्रा पर, पहली मात्रा पर है, खाली 1 है, कहाँ है, चौथी मात्रा पर है। तो ये पूरा आपने किसका शास्त्रीय विवरण कर दिया, विवरण मतलब उसका डिटेलिंग कर दिया आपने। अब आप उसको लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया, बीच में लाइन बना दी, बोल लिखे धा धी ना धा ती ना। फिर हमने यहाँ पर सम दिखा दी, क्रॉस पहली मात्रा या पहली ताली तो क्रॉस से दिखा दी, और यहाँ पर हमने खाली है तो उसे हमने 0 से दिखा दिया। ताल कैसे दिखाते हैं हाथ पे, धा धी ना धा ती ना धा, तो लास्ट में सम भी आती है। ये उसका लिखने का तरीका हो गया, स्क्रिप्टिंग। अब ये जो डिटेलिंग पार्ट है ये आपको हर बार लिखना है। ताल कहरवा देखिए कैसा लिखा जाएगा, इसमें 4 4 मात्रा के खंड हैं, तो ये ताल कहरवा हो गया, हमने धा गे न ती न क धी न इस प्रकार से इसका लिख लिया। अब जो समझने वाली बात है, जो हमने तालियों की संख्या देखी कि पहली ताली दूसरी ताली वो इस ताल में आएगी, ताल झपताल, देखिए ताल झपताल में 10 मात्राएं हैं वो हमने लिख दी, फिर इसके 4 खंड हैं, 2 3 2 3 मात्रा की, ये सब मतलब लिखना पड़ेगा आपको डिटेलिंग में। फिर आप लिखेंगे ताली 3 है कहाँ पर, तो ये पहली मात्रा पर है, दूसरी ताली देखिए कहाँ पर है, तीसरी मात्रा पर है, और तीसरी ताली 8वीं मात्रा पर है। फिर खाली कहाँ है, तो खाली का स्थान 6वीं मात्रा पर आ रहा है। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा ताल झपताल। चलिए इसी प्रकार हम देख लेते हैं ताल त्रिताल, या इसे हम तीन ताल भी कहते हैं। तो इसे लिखने के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 मात्राओं के खंड हैं वो बना दिए। अब खंड में ये हमने 2 लाइन बना दी, तो परेशान मत होइए, वो तो डिजाइन एस्पेक्ट है, आपको एक लाइन बनानी है एक लाइन बनाइए, 2 लाइन बनानी है 2 लाइन बनाइए, दिखता अच्छा है तो 2 लाइन बना दीजिए। तो यहाँ पर हमने मतलब लाइन बनानी है, बेसिकली हमें खंड दिखाने के लिए एक लाइन बनानी है। पहली ताली सम है, क्रॉस है, दूसरी ताली दो, तीसरी ताली यहाँ पे। अब ताली तीसरी कैसे पता लगे, देखिए धा धिन धिन धा धा, ये जो ताली दिखाई हमने वो यहाँ पर दो बताई गई कि ये सेकंड ताली है। इसी प्रकार यहाँ थर्ड ताली भी है जो कि 13वीं मात्रा पर है, और ये खाली को डिनोट कर रहा है 0 जो कि 9th मात्रा पर है। आपको अगर ये ताल लिखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ताल भी लिख लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ताल एक ताल, एक ताल 12 मात्रा, तो ये हमने 12 मात्राएं लिख दी, हर एक खंड इसमें दो दो मात्रा का है। देखिए जगह कम ज्यादा है, आप ये मत सोचिए कि हमें बराबर बराबर खंड बना के फिर बहुत छोटा छोटा लिखना है, फिर स्क्रिप्टिंग में दिक्कत होती है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी। देखिए हमने क्या कर दिया, ये खंड थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, क्यों भाई, बोल है उसमें, पर खंड दिखाने का अर्थ ये है कि जितना टाइम ड्यूरेशन, मतलब अब हमने सेग्रीगेट कर दिया कि इसके बाद ताली या खाली का आना आवश्यक है, तो वो सारे पक्ष जो है, मतलब देखिए शास्त्रीय पक्ष बहुत ही क्लियरली हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ आनी चाहिए, खंड बराबर हो बिल्कुल। हमने देखा है जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उसमें उन लोग बकायदा स्केल लेके ऐसे नाप नाप के बराबर 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 कॉलम बना देते हैं। अब बराबर कॉलम बना दिया तो तिरकिट, अच्छा अब एक मात्रा मतलब एक खंड ऐसा है जिसमें धागे और तिरकिट, तो 6 बोल लिखने हैं। अब 6 बोल लिखने के लिए आपको, तो वहां पर आप बिल्कुल स्वतंत्र दिमाग से एक जगह बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, इससे स्क्रिप्टिंग अच्छी होती है बस। तो ये एक स्क्रिप्टिंग का पक्ष है जो आपके समक्ष यहाँ पर रखा गया। अगले वीडियो में हम और भी थ्योरी के टॉपिक्स के साथ आएंगे। आई होप आपको हमारी सीरीज फ्रूटफुल लग रही है, उपयोगी लग रही है, तो लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।